ये लो ये लो ये लो ये लो खाओ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, आपको पता है कि पहले के जो हमारे पूर्वज होते थे वो ये क्यों कहते थे कि एक रोटी गाय की पहली रोटी और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालनी चाहिए, क्यों कहते थे? क्या वैसे ही कहते थे क्या? नहीं, इसके पीछे एक बहुत अच्छा तर्क है, बहुत बढ़िया तर्क है। और क्या तरकीब निकाली उन्होंने कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ फॉलो होता आ रहा है, होता आ रहा था, सॉरी, अब तो पता नहीं लोग कर रहे हैं कि नहीं, बहुत मुश्किल से मुझे लग रहा है कर रहा हूँ। उसका तर्क ये था कि एक रोटी गाय की, एक रोटी कुत्ते की, इस बहाने हर घर से रोटी निकलेगी इनके लिए, जो एक बहुत दयनीय स्थिति में है, इनकी प्रजाति, इनकी पूरे जितने हम, मैं बता रहा हूँ आपको, इनको बहुत खराब स्थिति है इनकी। पहले तो चले ठीक है, हरे भरे घास हुए करते थे, चीजें हुआ करती थी, अब जगह जगह मकान बन रहे हैं, इनकी बहुत दयनीय स्थिति है, इनको खाने की बहुत दिक्कत है, इनके लिए कम से कम रोटी निकलेगी, जानवर भूखे नहीं सोएंगे। लेकिन इंसान, इंसान तो खा लेता है, इंसान तो मांग लेगा, इंसान के पास जवान है, इंसान इंसान की भाषा समझ लेगा, क्या जानवर इंसान की भाषा समझेगा? या जानवर की बात इंसान समझ सकता है क्या? नहीं ना, यही फर्क है। उनको भूख लगेगा, वो चिल्ला रहे होंगे, वो रो रहे होंगे, वो मांग रहे होंगे, पर कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई उनकी भाषा नहीं समझ सकता। और जब इनकी बात आती है ना, तो लोग मुंह घुमा लेते हैं, लोग हाथ खड़े कर लेते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत गलत है। ऐसे आदमी 50 चीजें खर्च करता है, पर जब इनके पे आता है तो लोग हाथ खड़ा कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। खर्च क्या लगना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने घर से जितने भी रोटी जो हम लोग, मैं देखता हूँ लोग कूड़े में डाल देते हैं। मैं एक बार पीजी में रहता था, वहाँ लोग रोटी कूड़े में डाल देते थे, पीजी में जो खाना रहता था, 15-15, 20-20 रोटी कूड़े में जा रहा है, चावल कूड़े में जा रहा है। मैंने कहा नो, प्लीज डोंट डू डैट, ये करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बोला क्या कर रहे, रोटी अब कहाँ? मैंने कहा आपको क्या करना है, घर के बाहर डालना? इतनी छोटे से काम नहीं कर सकते क्या आप? इतने छोटा सा काम नहीं कर सकते? आप कमा रहे हैं रोजी रोटी के लिए, आप इतनी दूर गांव से आए, आपको क्या इतना नहीं पता कि रोटी कूड़े में नहीं डालनी चाहिए? अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज फेंकिएगा नहीं, प्लास्टिक में करके कूड़े में रख दीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा, मैं आता हूँ शाम को, ठीक है? अपना काम करके मैं दूध में उसको मिला के रोज जाके बाहर डालता हूँ, क्योंकि मेरा रूट में पड़ता है, मैं अपने वर्किंग, मेरा जो रूट है वहां पर बहुत ढेर सारे पड़ते हैं, जानवर बहुत आते हैं, मैं सबको बीच में डालते हुए चल जाता हूँ। तो छोटा सा मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, बचा हुआ रोटी था, एक दूध लगा, बेशक अगर दूध भी नहीं है तो आप एक रोटी में गुड़ है, चीनी, थोड़ा सा पानी मिला के कुछ भी, आप अपना जो जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ रहते हैं, वहीं करना है। और घर के बचे हुए खाने के लिए मैं बात कर रहा था, घर के बचे हुए खाने का मतलब ये है कि जो आप खाते हैं, जो बच जाता है कूड़े में फेंकने के बजाय, अगर आप वो घर के बाहर रख दें तो बहुत अच्छा होगा। ये चीज़ समझने जैसी है, समझनी चाहिए हमें। हम लोग मॉडर्न ही रह कहते हैं, हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्नाइजेशन में ऐसे पागल हुए जा रहे हैं कि हम लोग जो बेसिक मूल है, जो हम, जो बेसिक चीज़ है, जो बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल थिंग्स है, ये चीज़ तो करनी चाहिए, वो हम भूले जा रहे हैं। हम लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे जगह पैसे लगा रहे हैं, ऐसी जगह मतलब चीज़ें कर रहे हैं कि जो मतलब नहीं है, वेस्ट है। ये करना चाहिए, ये है असली पुण्य, इनको खिलाना, ज़रूरतमंद को करना, चाहे वो इंसान चाहे जानवर। इंसान, कई लोग आते हैं मांगते हैं मुझे दे दो, और आदमी दे देता पैसा, बोलो इसको लगता होगा या मैंने पुण्य, मैंने 100-200 दे दिए ना, ये नहीं पुण्य है मेरे भाई, ये पुण्य नहीं है। पुण्य का मतलब ये नहीं होता आप किसी को 100-200-500 दे दी, मैंने पुण्य कर दिया। पुण्य का मतलब ये होता है कि आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। ज़रूरतमंद सबसे ज़्यादा जानवर होता है, क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं है। अगर इंसान भी ज़रूरतमंद है तो उनकी मदद, इंसान में भी आजकल कैटेगरी है, आजकल तो आप देख रहे हैं बिजनेस बन गया है, मांगना एक बिजनेस बन गया, बन गया। तो आपको समझनी पड़ेगी कहाँ ज़रूरत है, मांग कौन रहा है, मांगने वाला कौन है, मांगने वाले की स्थिति क्या है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है? बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ये सब छोटी छोटी चीज़ें करिए, और वाकई आप एक बार करके देखिए ज़िंदगी के कुछ पल, ये सब चीज़ में निकालिए, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, दिल से आपको अच्छा लगेगा। आंतरिक खुशी इसे कहते हैं ना, इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल जॉयफुल आपको मिलेगा, इंटरनल जॉयफुल। तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ करने, और कुछ लोग मुझे मिलते भी हैं, मैं जब वहाँ पर, मैं जहाँ रहता था पहले, वहाँ मैं ये सब काम करता था, कुछ एक दो अंकल आंटी भी थे, वो तो पूरा यू नो इनके लिए पूरा वो चलाते थे कैंपेन, बहुत अच्छा लगा था। कुछ लोग आके यू नो पाल, बहुत से लोग अपने अपने एंड से कुछ लोग करते हैं, हालांकि वो हमें दिखते नहीं है, क्योंकि उनकी वीडियो नहीं आती है, उनका कोई नाम नहीं होता, उनका कोई यू नो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आता है।
क्योंकि ये सब चीज की न्यूज छापे कौन, ये सब चीज की वीडियो बनाए कौन, लोगों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए। बट हाँ, जो करने वाले वो तो करते रहेंगे। ये एक मकसद था आप लोगों को चीजें बताना कि चीजें ऐसे हैं, समझिए और उसके हिसाब से एक्ट करिए। Thank you.